जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पारिवारिक गृह स्टेशन में। दोस्तों, आज इफ्को एजीटी 2023 जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया आज की डेट में, उसका जो सॉल्यूशन है उसको मैं लेके आया हुआ हूँ। जो भी क्वेश्चंस आए हुए थे इस एग्ज़ाम में आज के, क्योंकि आपको पता होगा कि 11 से 11:45 के बीच में इफ्को एजीटी की प्रीलिम का एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कराया गया, उसमें क्या कुछ क्वेश्चन पूछे गए उनको हम लोग देखते हैं। और अगर चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो क्वेश्चंस आज यहाँ पर अभी तक मिल पाए हमको, वो क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कर दूंगा आपके साथ। जो नहीं मिल पाए हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आया हुआ था कि किंग ऑफ सीरियल जो है वो किसे कहते हैं। आप सभी को पता है किंग ऑफ सीरियल किसे कहते हैं, व्हिट को कहते हैं। व्हिट हो जाएगा आपका राइट आंसर, व्हिट किंग ऑफ सीरियल। अगला क्वेश्चन था, माइकोराइजा जो है वो क्या करता है। जो माइकोराइजा होता है वो एक्टिव जो है अपटेक करता है न्यूट्रिएंट का, जो फास्फोलाइजिंग सोलबलाइजिंग बैक्टीरिया है ये जो माइकोराइजा है, और ये न्यूट्रिएंट का एक्टिव अपटेक करता है। हार्मोन रिलेटेड टू सेल डिवीजन, सेल डिवीजन से रिलेटेड कौन सा हार्मोन है, तो जिब्रेलिन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता। जो भी क्वेश्चन यहाँ पर दिया होगा वो क्वेश्चन, क्योंकि सेल डिवीजन में दो हार्मोन आते हैं तो वहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है वो डिपेंड करता कि क्या राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन था, प्राइमरी गोल ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, प्राइमरी गोल जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है। तो सबसे प्राइमरी गोल जो होता है वो इसका होता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का, कि जो इनपुट होता है उसको मिनिमाइज करना, यानी कि जो कास्ट प्राइस होता है उसको मिनिमाइज करना प्राइमरी गोल होता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का। अगर इसके अलावा दूसरा ऑप्शन रहा होगा तो वो सही होगा। फिलहाल अगर ये ऑप्शन रहा होगा तो ये बेस्ट ऑप्शन यही होगा कि जो कास्ट प्राइस होता है उसको मिनिमाइज करना होता है प्राइमरी, और ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को जो है वो बढ़ावा देना होता है। अगला क्वेश्चन, जिप्सम एडेड टू क्या करने के लिए जिप्सम जो है ऐड किया जाता है। तो जिप्सम जो होता है ये सॉइल पीएच को क्या करता है, रिड्यूस करता है, क्योंकि जो सैलाइन सॉइल होते हैं उसमें जिप्सम का यूज किया जाता है। तो राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर इसके बेस पर रिड्यूस पीएच हो जाता है। व्हिच बैक्टीरिया कन्वर्ट टू नाइट्रोजन टू अमोनिया, नाइट्रोजन से अमोनिया में कौन सा बैक्टीरिया जो है वो कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन को अमोनिया में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोसोमोनास। अगर आपका यहाँ पर राइट कोई ऑप्शन रहा होगा इन दोनों में से, नाइट्रोबैक्टर नाइट्रोसोमोनास में से, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता जो नाइट्रोजन को अमोनिया में चेंज करता है। फ्लोएम का काम पूछा गया था, फ्लोएम का क्या कार्य है। फ्लोएम का कार्य जो होता है वो न्यूट्रिएंट को जो है सप्लाई करना होता है रूट टू प्लांट के अदर पार्ट में। अगला क्वेश्चन था कि फोटोपीरियडिज में क्या होता है। तो फोटोपीरियड में जो होता है वो लाइट जो लाइट होता है, लाइट के प्रेजेंस में जो प्लांट जो चेंज करते हैं डे लेंथ टाइम पे, अपने ड्यूरेशन के टाइम पे, डे के ड्यूरेशन टाइम पे, वही होता है फोटोपीरियड। क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल में कौन सा जो है वो एलिमेंट पाया जाता है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड फॉर सीड फॉर्मेशन के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट जो होता है रिक्वायर होता है। तो फास्फोरस यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाता। फोटोसिंथेटिक मेजर प्लांट पार्ट कौन सा है, लीव्स हो जाएगा, फोटोसिंथेटिक मेजर प्लांट पार्ट जो हो जाएगा। देखिए, ये सारे क्वेश्चन जो है ये किसी स्टूडेंट के द्वारा हमारे पास भेजा गया, और मैं यहाँ से आपको जो है वो एग्जैक्ट क्वेश्चन तो अब मुझे नहीं पता, जो छात्रों ने भेजा हुआ है मैं वही सेम क्वेश्चन जो है आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। एग्जैक्ट क्वेश्चन यही है या कुछ चेंज करके है, क्योंकि जितना लिखा हुआ है इसमें मैं उतना ही आपको बता पा रहा हूँ, उससे ज़्यादा एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं पूरे लेंथी होते हैं, शॉर्टकट में लिखे जाते हैं छात्रों के द्वारा। तो क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ क्या राइट क्वेश्चन वही था या कुछ और था, उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और बता देंगे अगर क्वेश्चन दूसरा रहा होगा तो। 8 pH यहाँ पर पूछा गया कि 8 pH पर कैसा सॉइल होगा, तो सैलाइन सॉइल हो जाएगा, सही बात है। वार्म सीजन क्रॉप कौन सा है, तो वार्म सीजन क्रॉप जो होता है वो
डिपेंड करेगा आपके ऑप्शन पर कि ऑप्शन वहां पर क्या दिया रहा होगा। वैसे जितने भी जो है रबी सीजन खराब होते हैं वो वार्म सीजन खराब होते हैं, क्योंकि उनका जो होता है हार्वेस्टिंग वो वार्म सीजन की जाती है। तो जो विंटर वाले खराब होंगे, रबी सीजन वाले खराब होंगे, उनको वार्म सीजन खराब में आप ऐड कर सकते हैं। व्हीट व्हिच सीजन खराब, व्हीट अच्छा किस सीजन खराब है, तो व्हीट तो ये विंटर सीजन खराब हो गया। अगला है IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो होता है वो क्या करता है, तो बायोलॉजिकल कंट्रोल करता है। फार्म मैनेजमेंट मींस पूछा गया है फार्म मैनेजमेंट, देखिए ये क्वेश्चन जो है डिपेंड करेगा वहाँ पर ऑप्शन क्या दिया हुआ है। फार्म मैनेजर मींस का फार्म एग्री बिजनेस, अब वहाँ पर वो क्वेश्चन क्या पूछा गया फार्म एग्री बिजनेस के बारे में, इसको अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपसे बता देंगे एक बार। अगला क्वेश्चन था सलाद टोमेटो हैड हैव विटामिन सी, विटामिन सी कितना सलाद टोमेटो में पाया जाता है, कितना होता है। अब वो डिपेंड करता है कि वहाँ पर ऑप्शन क्या दिया होगा। अगला क्वेश्चन था गैदर का सिनोनिम पूछा गया था, ये भी वहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है वो डिपेंड करेगा ऑप्शन क्या दिया हुआ था। 80 रुपये का 20% अगर लॉस हो रहा 80 रुपये में से तो कितना होगा, 64 हो जाएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ होगा, तो राइट आंसर आपका 64 हो जाता है। वहाँ पर प्राइम नंबर के बारे में पूछा गया था, प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 17 और 29 ये प्राइम नंबर हो जाएंगे। और जो भी क्वेश्चन स्टेटमेंट एंड कनकेव, अब जो भी क्वेश्चन आगे रहे होंगे अभी, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो आ रहे हैं छात्रों के द्वारा भेजे जा रहे हैं, तो जो भी क्वेश्चन अभी आएंगे हमारे पास उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अभी तक के लिए इतना ही हमें क्वेश्चंस मिल पाए हैं, तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में और बताएंगे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए नेक्स्ट वीडियो फिर मिलेंगे, तब तक नमस्कार, जय हिंद जय भारत।